नमस्कार दोस्तों, क्या 2021 में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी 10वीं और 12वीं? दोस्तों आज तक .in today.in वेबसाइट पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दसवीं बारहवीं के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं, जाने नए नियम। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षा पर क्या आपकी बार क्या क्या नए नियम हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। अब देखिए नए नियम क्या है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा नीति यानी कि 2020 को मंजूरी दी है, ऐसे में अभी भी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र कन्फ्यूजन में। जानिए अब हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बोर्ड परीक्षा में कितना बदलाव होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में 10+2 यानी 10+2 का जो फॉर्मेट था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसे देखिए 10+2 से बांट कर ये देखिए 5-3-3-4 फॉर्मेट में डाला गया है। अब इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स से बच्चा है वो क्या, देखिए पहले जो प्राइमरी जो स्कूल है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि 5 का मतलब है कि 3 साल तो ये होगी नर्सरी KG प्रेप, और 2 साल हो गए पहली और दूसरी, तो देखिए कुल मिलाकर हो गए 5 साल। उसके बाद 3 का मतलब है कि अब जो बच्चा है वो क्या करेगा, देखिएगा ये जो स्टूडेंट पढ़ेगा 3री 4थी 5वीं, तो 3 साल ये हो गई। उसके बाद 3 साल ये है कि 6ठी से लगाकर 8वीं तक ये 3 साल हो गए। फिर 4 साल है कि 9 से लेकर 12th तक ये 4 साल हो गए। ओके तो अब यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा स्कूलों में आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन ना होगा। छात्र जो भी पढ़ाई यानी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो यानी कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद से आर्ट्स ले लेते थे, कॉमर्स ले लेते, साइंस ले लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं है। स्टूडेंट जो भी ले सकता है वो यहाँ पर इंटरेस्ट हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकता है। अब इसके बारे में मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। अब देखिए बोर्ड परीक्षा को लेकर नियम, जो नई राष्ट्रीय यानी कि शिक्षा नीति है उसमें बोर्ड परीक्षा को पैटर्न ऐसे सेट किया गया है ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। बता दें इस नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को आसान बनाने की घोषणा की गई है। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट IT जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन। देखिएगा अब मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ। देखिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यानी कि NEP 2020 कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। जो अभिभावक और छात्र ऐसे सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा बंद कर दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड परीक्षा नहीं होगी तो ये सोचना गलत है। आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ये जो नई शिक्षा नीति है वो अभी सिर्फ इसको मंजूरी मिली है, लागू अभी तक नहीं किया गया है। अब 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आपकी जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी 110% होगी। आप बस अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी रखिएगा। और अगर आपको बोर्ड परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं के नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। शिक्षा नीति में कहा गया है कि छात्र अक्षर अधिक नंबर लाने में आ जाते हैं और कोचिंग सेंटर पर भी निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया गया है ताकि विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो अधिक नंबर लाने की टेंशन में नहीं हो। अब जैसे ऐसे कोई स्टूडेंट होते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा नंबर लाना है, मुझे 90+ लाने हैं, मुझे टॉपर बनना है, तो वह टेंशन में रहता है और इसी कारण से वो कोचिंग करता है। अब इसमें कोई भी नहीं है कि मुझे ये करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब तक क्या होता था कि स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन को रटता था, जो पर्सन है उसको रट रट के याद करता था, लेकिन अब देखिएगा रटे हुए सवालों की बजाय अपनी योग्यता है, कितनी उसमें एबिलिटी है क्वेश्चन को करने में। अब से बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं और योग्यताओं को परखा जाएगा। इसी के साथ विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के व्यवहारिक मॉडल तैयार करेंगे, जैसे कि क्या हो गया वार्षिक हो गया, फिर सेमेस्टर,
और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी परीक्षा होगी, मॉड्यूल परीक्षा। ओके, तो ये समझ आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड परीक्षा जरूर होगी, आपको परीक्षा की तैयारी कीजिए, अभी से लग जाएगा। अभी जो अगस्त का महीना तो समझो चला गया, फिर सितंबर में स्कूलें खुलें या फिर नहीं होगी। अब ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कब हमारी स्कूलें खुलेंगी, कब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। स्कूलें खुलने का चांस है भी है, अभी नहीं भी खुल सकती हैं। आपको बस अपनी पढ़ाई तैयार रखनी है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। वहीं बोर्ड परीक्षा दो भागों में या दो लेवल की परीक्षा के तौर पर बांटा जाएगा। अब देखिएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, अब तक क्या था कि जो बोर्ड परीक्षा है उसमें डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो विवरणात्मक जो क्वेश्चन आते थे वो याद थे, लेकिन अब की बार क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। अब मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ। बता दें CBSE ने पहले ही 10वीं का यानी गणित बोर्ड परीक्षा में ऐसा कर दिया है। इसी के साथ इस साल बोर्ड परीक्षा, हाँ देखिए, 30% सिलेबस कम किया गया है, सिलेबस है वो 30% कम किया गया CBSE की तरफ से। और जस इसके अलावा अब बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ जाएगा। जैसे यानी अगर स्कूल में कुछ देखिए रोजगार परक शिक्षा सीखी है तो आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि दोस्तों अब तक क्या था कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है उसमें सिर्फ आपके मार्क्स दिखाए जाते थे, लेकिन अब आपकी जो लाइफ स्किल है उसके बारे में भी आपको मेंशन किया जाएगा उस आपके रिपोर्ट कार्ड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा जरूर होगी, और नीचे कमेंट कीजिएगा आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, भी कौन सी क्लास में आए हो, 10th में आए हो या 12th में आए हो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और दोस्तों काफ़ी मेहनत से वीडियो तैयार किया गया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देने का। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद और जय भारत।